आणि आता थेट जाऊया मायावतींच्या पत्रकार परिषदेमध्ये. डीएसपी के मूवमेंट को बचा लेने के कारण फिर इनका फिर इसका इनको काफी बड़ा कराला झटका लगा था और इन्होंने फिर केंद्र में अपनी सत्ता का घोर दुरुपयोग करते हुए उस समय मेरे ऊपर आय से अधिक संपत्ति का जबरन फर्जी मामला बनाकर मेरे ऊपर सीबीआई से भी मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें लगभग 10 वर्षों तक मुझे वे हमारी पार्टी के मूवमेंट को आघात पहुंचाने के लिए इन्होंने हमें उलझाए रखा था जिसे बीएसपी मूवमेंट से जुड़े लोग आज तक ना तो भुला पाए हैं और आगे भी ना ही इसे भुला पाएंगे. इतना ही नहीं बल्कि श्री नरेंद्र मोदी जैसे सांप्रदायिक सोच रखने वाले इस व्यक्ति द्वारा बीएसपी से समर्थन लेने की बात करना वास्तव में सर्व समाज व खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को प्रभावित करने का स्पष्ट तौर पर इनका ये प्रयास भी कुछ हद तक हमें प्रतीत होता लगता है. जबकि यहाँ खासकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी विरोधी धर्म निरपेक्ष शक्तियों को ये पक्का यकीन है कि बीजेपी एवं श्री नरेंद्र मोदी को हराने व इनके सांप्रदायिक एवं जातिवादी व घिनौनी नकारात्मक राजनीति की सही काट व सही जवाब केवल यहाँ बीएसपी और इसका मजबूत राष्ट्रीय नेतृत्व ही है और यही दे सकता है. और अब अंत में मैं पुनः श्री मोदी द्वारा केंद्र में सरकार बनाने के लिए बीएसपी से समर्थन लेने संबंधी बयान का सख्त विरोध करती हूँ और इसके साथ ही इसे इनकी एक राजनीतिक साजिश करार भी देती हूँ. और इसके साथ साथ इस संबंध में सर्व समाज व खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से मैं ये जोरदार अपील भी करती हूँ कि बीजेपी नेताओं द्वारा जानबूझकर एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत कही गई ये अफवाह भरी इन बातों के बहकावे में हमारे ये लोग कतई भी ना है. जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.